नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में। दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है जब हम एक अच्छी किताब पढ़ लेते हैं, किसी विचार में डूब जाते हैं, कोई गीत गुनगुना उठते हैं या किसी गीत पर थिरक जाते हैं, किसी पेंटिंग के रंग से खुद अपनी उंगलियां रंग लेते हैं या कोई बहुत सुंदर चित्र बस जी भर कर देख भर लेते हैं या फिर किसी शानदार नाटक का हिस्सा बनाते हैं। दरअसल ये समझाना वाकई बहुत मुश्किल है कि इन सब कलाओं से जुड़कर जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाता है, क्या बदल जाता है इनकी बदौलत जिंदगी में। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी ही थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ी और प्यारी हो जाती है, दुनिया थोड़ी और रहने लायक जगह बन जाती है। बतौर इंसान हम थोड़े और संवेदनशील, थोड़े और बेहतर, थोड़े और जिम्मेदार हो जाते हैं। अब जबकि कोरोना के चलते पूरी दुनिया दायरों में सिमटी हुई है, तो इस बात को समझना और आसान हो गया है कि यदि जिंदगी में कलाएं हैं तो फिर तनाव के लिए, उदासी के लिए, नाउम्मीदी के लिए कोई जगह नहीं बचती है। एक उम्मीद इस अंधेरे पर हावी हो जाती है कि सब ठीक हो जाएगा। सो इसी विषय पर आज जिस मेहमान से हम बात करने जा रहे हैं, उन्होंने इस बात को बाकायदा खुद बहुत ही गहराई से साबित कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं जानी मानी भरतनाट्यम डांसर गीता चंद्रन जी की, जिन्होंने अपने संगीत और अपनी सकारात्मकता से कोरोना जैसी बीमारी को हाल ही में मात दी है। गीता चंद्रन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में। नमस्कार गीता जी, अभी हाल ही में आप भी कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं, तो इस दौरान के आपके ऐसे क्या अनुभव रहे, ऐसी क्या सीख रही जो आप हमारे साथ भी साझा करना चाहेंगी? एक बहुत बड़ी सीख मिली कि जितना भी अपने आप को आप स्वस्थ रख लें, कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ ग्रसित कर ही जाता है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैंने लगभग 2-2.5 घंटे की योगा रोज करी है और अपने आप को काफी सोचा था कि बचा के रखा हुआ है और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकली थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मेरे को कोरोना हो गया। और होने के बाद मैंने सोचा कि ये तो जैसे बाकी बीमारियां हैं वैसे ही हैं, और अपने आप को 5 दिन तक बहुत बचा के रखा। और मुझे लगता है कि मेरे को कुछ ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीलिंग नहीं आई, जैसे बाकी बीमारी कोल्ड फीवर ये सब होता है वैसे ही ठाकुर जी की कृपा से ये भी टल गई। और मुझे जो बड़ी सीख मिली यही थी कि सेहत को हमेशा निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने सेहत को ठीक से रखेंगे और नियमित अपनी जो एक हैबिट्स हैं या एक लाइफस्टाइल है उस पे ध्यान रखेंगे, तो कोई भी महामारी आपको आ जाए उससे आप आराम से निकल पाएंगे। एक अभी की बात हमेशा लगता है अपने हेल्थ को लेके, अपने फिटनेस को लेके थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए यही मेरी सलाह रहेगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप हमेशा अपना ख्याल रखें और सिर्फ सेहत ही नहीं, अपने अंदर की जो एक क्वालिटी है उसको भी बनाए रखें, क्योंकि तब आपको आपको जो मनोबल चाहिए होता है वो भी मिलता है। बेशक, और जहाँ तक मनोबल की बात है तो ये बात तो हमने देखी है मैम कि आप इस बीमारी से उभरने के बाद और भी ज़्यादा फुर्ती, और भी ज़्यादा उत्साह, और भी ज़्यादा जिंदा दिली के साथ ज़िंदगी का सामना कर रही हैं, ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर देख रही हैं। आपकी एक्टिविटीज़ इतनी बड़ी हुई है। ये सही है, क्योंकि मुझे लगता है लॉकडाउन के दौरान ही बहुत सोच शुरू हो गई थी कि इससे कैसे हम निकलें। अपनी जो एक परिवार है नाट्य वृक्षा, मेरी जो संस्था है, लगभग 100 बच्चे यहाँ पे दीक्षा शिक्षा दीक्षा लेते हैं नृत्य की, तो ये मेरा परिवार है और इसे मुझे इससे निकालना है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने शुरू कर दी, तो ऑनलाइन क्लासेस से केवल बच्चों तक नहीं पहुंचे थे हम, उनके पेरेंट्स, उनकी दादी नानी सब बैठ के क्लास देखने लग गए और हमको लगा कि ये एक माध्यम बन गया था
सबको एंगेज करने के लिए और सबको जो डिप्रेशन नाम की जो एक बीमारी है वो उससे निकालने का, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे जो हैं बहुत देर तक क्लासेस ऑनलाइन करते हैं तो कोई एक्टिविटी नहीं रहती है उनकी, तो नृत्य के माध्यम से जो एक उनके पास जो एक डिसिप्लिन ऑलरेडी है, क्योंकि ये लोग पारंगत हैं और आते हैं क्लास में रेगुलरली करते हैं, तो ये छूटा नहीं उनका, तो मुझे लगता है इन लोग का जो एक शारीरिक जो एक स्वस्थता बनी रही और जिसके वजह से मानसिक स्वस्थता बनी रही, क्योंकि ये रिलेटेड है, आप अपने 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 बॉडी को अगर एक्सरसाइज नहीं देंगे और एक सेडेंट्री लाइफ पैटर्न बन जाता है, बैठना हमेशा ही, फिर वो एक आलस और एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो जाती है, जो मुझे लगता है हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे जो कूदते हैं, अपना स्कूल जाते हैं, वहां भागते हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, वो सब एक्टिविटी उनकी बंद हो गई। तो मुझे लगा कि ये एक, फिर मैंने बहुत सारे ऐसे भी वर्कशॉप्स किए जो कभी जिन्होंने डांस किया नहीं है तो उनके लिए भी वर्कशॉप किया कि डांस एक बहुत अच्छा माध्यम, नृत्य एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, आपको इसको सीखने की जरूरत भी नहीं है, कोई भी म्यूजिक चला दीजिए और नृत्य करिए, मुझे लगता है शरीर को एक तरीके से पुश करिए ताकि आपके जो अंदर जो मानसिक जो एक स्ट्रेस है वो निकल जाए। तो मुझे लगता है कि इस दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने संगीत, नृत्य, नाटक, इसके इसके बगैर तो हम इसको पार कर ही नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि यही ऐसी कलाएं हैं जो हमको शांति देती हैं, हमको एक मेडिटेटिव स्पेस में ले जाती हैं, हम लोगों को एक तरीके से अंदर से एक स्ट्रेंथ देती है। दोस्तों, गीता चंद्रन जी से करने के लिए अभी हमारे पास बहुत से सवाल हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन उससे पहले एक सरसरी सी नज़र गीता चंद्रन जी के कलात्मक सफ़र पर। जानी मानी नृत्यांगना गीता चंद्रन जी को भरतनाट्यम नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। वे नृत्य संस्था नाट्य वृक्ष की संस्थापक अध्यक्ष भी हैं और नाट्य वृक्ष डांस कंपनी की कला निदेशक भी। भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य से आधुनिक तकनीक और कथानक को जोड़ने का श्रेय इनके हिस्से में भी बड़े पैमाने पर आता है। ये बात उन कैरेक्टर्स को लागू करने पर भी लागू होती है जो इन्होंने अपनी कोरियोग्राफी में कवर किए हैं। जब डांस के हक में आवाज उठाने की बात हो तो उन्होंने हर संभव माध्यम का सहारा लिया, चाहे वो टीवी हो, फिल्में हो, थिएटर हो, वीडियोस हो, नृत्य शिक्षण हो, स्पेशल वर्कशॉप्स हो या फिर डांस एक्टिविज्म। भरतनाट्यम डांसर के रूप में जितनी महारत गीता चंद्रन जी को हासिल है उतनी ही गहरी कमांड उनके गले को सुरों पर भी है। वे एक बाकायदा प्रशिक्षित गायिका भी हैं, इसके अलावा लेखन में भी वे अच्छी पकड़ रखती हैं। आज एक गुरु के रूप में भी वे भरतनाट्यम की अगली पीढ़ी को तराशने निखारने में जुटी हुई हैं। तो आगे की बातचीत और सवालों के सिलसिले को जारी रखने के लिए चलिए दोबारा जुड़ते हैं गीता चंद्रन जी से। कोरोना के समय पे मैम सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स बंद है, थिएटर बंद है, दुनिया थमी हुई सी है, तो नृत्य की दुनिया को, डांस की दुनिया, की कला की दुनिया को इस समय जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी, कैसे उबर पाएंगे हम इन सब से? बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब हम संगीत और नृत्य की एक बात करते हैं अपने देश में तो इतने सारे इसके जॉन्ड्स हैं, इतने सारी इसकी विधाएं हैं, कहीं कालबेलिया है तो कहीं जम्मू कश्मीर में फोक सिंगर्स हैं, तो क्लासिकल डांसर्स म्यूजिशियंस तो हैं ही हैं, थिएटर स्ट्रीट थिएटर के लोग हैं, इतनी विधाएं, पपिचियर्स हैं, तो मुझे लगता है कि सबकी लाइफ जो है एकदम से एक पॉइंट पे आ गई है जहाँ पे किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है। शास्त्रीय नृत्य और संगीत में जो जुड़े हुए हैं वो शायद थोड़े से बेटर हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ उनमें एक एक तरीके से एक बॉन्डिंग है, एक दूसरे को देख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो और भी अलग तरीके के जो हैं, जो सिर्फ टूरिज्म और शादियों पे डिपेंडेंट थे, उनकी जो लाइफ है वो मेरे ख्याल से बहुत
ज्यादा इफेक्ट हुई है, और मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं इसके बारे में सोच रही हैं। अभी हम केवल कोरोना से लड़ने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो बहुत कुछ और सोशल फैब्रिक में जो चीजें हो रही हैं, आपको सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें दिख रही हैं कि आरबीआई में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, यहाँ क्या, लेकिन जो सोशल लेवल पे जो हो रहा है उसका जो रिपरकशन है वो बहुत साल तक रहेगा। ये कोरोना से शायद हम निकल भी आए, लेकिन इसकी बाकी जो चीजें हो रही हैं जो इंटेंजिबल लगती हैं हमें, अभी अभी दिख नहीं रही हैं, लेकिन ये एक बहुत गहरा घाव छोड़ने वाली हैं, क्योंकि हम इसको देख नहीं पा रहे हैं अभी। तो बहुत सारे म्यूजिशियंस इसके लिए पिटिशन भी कर रहे हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस अपने लेवल पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कर भी रही हैं, लेकिन देश इतना बड़ा है और इतने सारे कलाकार हैं, इतनी विधाओं के कलाकार हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम लोगों के लिए कि हम इसको कैसे आगे लेके जाएं और कैसे इन इन आर्टिस्ट को हम संभालें और इस इन इन महीनों को आगे जो दिख जो जैसे रहा है कि 6-7 महीने और हमको ऐसे निकालना पड़ेगा, तो उनको कैसे एडुकेट करें। कुछ कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो उनको ऑनलाइन कैसे आना है वो सिखा रहे हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन की जो पूरी एक बन रही है उसमें प्रेजेंस उनका आए और थोड़ी उनकी जो है आमदनी उससे बने। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बूंदे हैं जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन स्तर इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया में आर्ट्स माने कितनी सारी चीजें हैं हम अनुमान भी नहीं कर सकते। तो और लाइव परफॉर्मेंस की तो अब मेरे ख्याल से हम 6-7 महीने तक तो सोच भी नहीं सकते, सब कुछ ऑनलाइन ही चलेगा जो कुछ चलेगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह रहेगा हमारे लिए कि हम कैसे इससे जूझने वाले हैं। किसी के पास इसकी जवाब तो नहीं है, लेकिन हम लोग सब इसके बारे में चिंतित जरूर हैं और गवर्नमेंट से भी लगातार हम लोग आर्टिस्ट जो हैं पूछ भी रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी यही सोचता है ना, कहाँ से शुरू करें, किसको दे, किस नोडल ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ें, किसके द्वारा हम फंड्स। अगर यही मैं किसी से कह रही थी, मुझे कोई 1 करोड़ दे दे और दे दे कि अब आर्टिस्ट के लिए आप बांट दीजिए, तो हम कहाँ जाएंगे, किन आर्टिस्ट को देंगे, कैसे देंगे, कोई विधा ऐसी नहीं है, कोई कोई स्ट्रक्चर नहीं है हम लोगों में कि हम इसको आराम से इस प्रॉब्लम को अपने अपने ढंग से उसे कर सके। क्योंकि हमारी बड़ी एक डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमारी बड़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर है नहीं, ये को ये नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास आप जाए तो सारे पपेटियर्स के जो हैं वो आपको नाम मिल जाएंगे, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए तो सारे जो नादस्वरम प्लेयर्स हैं जो सिर्फ मंदिरों में बजाते हैं, एक मंगल वाद्य है ये और ये शादियों में बजती हैं, दोनों ही मंदिर भी बंद है, शादी भी नहीं हो रही है, तो वो लोग भी बहुत परेशान है। तो इनके जो सूची तक नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से इसको शुरू करें। तो ये एक हम लोग का अभी एक एक अलग डिबेट शुरू हो गया है कि आर्टिस्ट कम्युनिटीज को हम लोग को देखना है कि कैसे इसकी एक सूची तो बने, हम पता तो लगाएं कहाँ कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट एक बहुत लूज टर्म है जी, किसी कोई भी अपने आप को आर्टिस्ट कहला सकता है, तो कोई उसकी कोई डेफिनेशन तक नहीं है हमारे पास कि कौन आर्टिस्ट है। तो इसलिए जो है ये भी कहा जाता है कि माँ जो कुक करती है वो भी आर्टिस्ट है, तो हमारे यहाँ जो है ना, तो सही भी है, लेकिन एक फुल टाइम आर्टिस्ट कौन है, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट कौन है, इन सब की डेफिनेशंस, इनके नंबर ऑफ आवर्स जो डालता है, वो सब हम ना डॉक्यूमेंट वैसे तो करते नहीं है। कई बार बड़े हल्के फुल्के अंदाज में भी ये बात कही जाती है कि अगर कलाएं मतलब शौक के लिए है, सिर्फ हॉबी के लिए है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कलाओं को अपना करियर बनाना है तो संघर्ष का एक लंबा सिलसिला फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब वो इट्स स्टेयरिंग ऑन योर फेस बिकॉज अब वो ज्यादा एक एक तरीके से सही हो रहा है, जब पेरेंट्स बच्चे जो यू नो आर्ट्स में जाना चाहते हैं कहते हैं भाई देख लो आगे पता नहीं क्या होगा, और वास्तव में ये एक मोड ऐसा आ गया है कि बहुत परिस्थिति वाकई गंभीर है। वाकई मतलब जो आर्थिक हानियां हैं उसे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो कलात्मक नुकसान है वो भी इस समय पर एक बहुत गहरा असर छोड़ेगा, इस बात को हम समझते हैं।
गीता जी, मैं लौटती हूँ आपकी कोरियोग्राफी स्टाइल की तरफ। भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय विधा में आपने जहाँ कैकेयी जैसे पौराणिक पात्रों को कवर किया, वहीं दूसरी तरफ आपने मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी बहुत सारी की हैं। तो जहाँ तक भारतीय माइंडसेट है, उसमें जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है या कुछ होता है तो तुरंत बहुत सारी आवाज़ें उठने लगती हैं। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जब मतलब दर्शकों की बात होती है या आलोचकों की बात होती है, तो इन नए एक्सपेरिमेंट्स को, नए प्रयोगों को कैसा अनुभव फेस करना पड़ता है, आपका अनुभव इसमें क्या रहा? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए, मैं जब सीखने लगी तो बहुत पारंपरिक तरीके से मैंने एक बहुत बहुत बड़े कलाकार से, श्रीमती स्वर्णा सरस्वती, जो कि खुद एक इसे वेल्लार कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, खुद एक दासी थी, तो उनसे सीखा। तो जाहिर है कि बहुत ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस उन्होंने मुझे सिखाई, और विधा भी ऐसी थी कि एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम कोई उसमें ढील नहीं होना था टेक्निक में या सीखने के तरीके में। तो बहुत ही एक तरीके से पारंपरिक तरीके से हम लोगों ने सीखा। फिर मैं LSR गई, वहाँ के का जो एक माहौल था, वहाँ का जो पीयर था, हम मेरे साथ पढ़ने वाले थे, मैंने देखा कि वो सब बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत अवेयर थे, अच्छी थिएटर देखते थे, अच्छी सिनेमा देखते थे, उस पर आलोचना भी करते थे। लेकिन जब शास्त्रीय नृत्य की बात या बारी आती थी तो कहते थे कि हाँ, तुम्हारा जो कॉस्ट्यूम था वो बहुत अच्छा था, और तुमने जो लास्ट में एक तराना टाइप, तिल्लाना टाइप जो फास्ट किया था ना, वो बहुत अच्छा था। लेकिन जो मूल बात जो अभिनय की है या फिर पोइट्री की है या माइथोलॉजी की है, वो नहीं आ पाता था, कहीं कहीं वो पहुंचता नहीं था। तो मुझे ये बात हमेशा खराब लगती थी कि इतने सुलझे हुए माइंड को लेके भी हमारी शास्त्रीय कलाएं क्यों इन इन लोगों तक नहीं पहुंचती। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया। तो पहली बात तो ये थी कि दक्षिण भारत की एक कला विधि थी, तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर था, क्योंकि हम लोग तेलुगु में या तमिल में हम अपनी बात कहते थे, अपने कॉम्पोजिशंस कहते थे। तो मैंने कहा कि ये तो हम ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि तब तक MS सुब्बलक्ष्मी जी ने मीरा बहुत सुंदर तरीके से वो गा चुकी थी, तो उनके थोड़े कॉम्पोजिशंस मैंने ले लिए, और मीरा पे, सूर पे, विद्यापति पे, ये सब कॉम्पोजिशंस मुझे भरतनाट्यम में मैंने सोचा। और मेरी तब की गुरु थी, गुरु श्रीमती जमुना कृष्णन जी, वो भी उस पे काम कर रही थी, तो उनके साथ भी मैंने बैठ के सीखा काफी कुछ। और मैंने देखा कि थोड़ा सा बदलाव आ गया, जब जब शब्द समझ आने लग गए, जब कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लग गया, तो भाषा एक एंट्री पॉइंट बन गई नृत्य शैली में घुसने की। तो वो एक 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 मेरा पहला पड़ाव था जो मैंने किया, और मुझे लगा कि इसमें और आगे जाना चाहिए। फिर मैंने बहुत इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए डांस करती थी तब, तो उनको और भी था कि एब्स्ट्रैक्शन की ओर कैसे जाएं। तो मैं एक इंग्लिश पोइट्री पढ़ती थी, वो बेशक ट्रांसलेशन होता था अमरु शतक का या किसी और बहुत पुरानी कविता की इंग्लिश ट्रांसलेशन ले ली, उसको पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया। फिर सिर्फ वायलिन या फ्लूट लेके उस पोएट्री को एक एब्स्ट्रैक्शन अपने वोकैबुलरी भरतनाट्यम को लेके उस पोएट्री को कैसे आप नृत्य में कैसे उसको बता सकते हैं। तो ये सब चलता गया। फिर मेरे को बहुत अच्छे मौके मिले काम करने के लिए, क्योंकि तब विस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के इश्यूज पे काम करती है, और उन्होंने कहा कि आप और एक पपेटियर मेरे साथ थी, हम लोग दोनों को बोला आप क्यों नहीं वॉर, वुमेन एंड वॉर पे क्यों नहीं काम करते। तो एक एक मुझे एक कंटेम्पररी एक इश्यू पे कमीशन किया गया कि आप काम करिए। तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि डांस को हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, सिर्फ एक एक बहुत सीरियस सेमिनार होता है और शाम को एंटरटेनमेंट इवनिंग और उसमें नृत्य होता है। और लेकिन ये ऐसी एक संस्था थी जिसने कहा था कि हम इसको इंटेलेक्चुअल डायलॉग और डिबेट में रखेंगे, एक सेशन आपको देंगे जो वुमेन एंड वॉर थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स पे होगा जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा,
कि इसको नृत्य को भी आपने वही दर्जा दिया जो बाकी सभा में आपने बाकी टॉपिक्स को दिया। तो प्रोसेस को कैसे आपने उस प्रोडक्शन को कंसीव किया, कैसे उसमें आपने क्या क्या स्टेजेस थी जो जो उस लेवल तक आप, क्योंकि हमने द्रौपदी लिया था उसमें और मैं द्रौपदी पपेट, एक पपेट द्रौपदी थी जो मेरी ऑल्टर ईगो थी और मैं उस ऑल्टर ईगो से बात करती थी कि क्या हो रहा था, कैसे युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद क्या मनोस्थिति थी, और फिर एंड में जाके जो कहती है मुच्छते मुच्छते, मुझे ये रिवेंज नहीं चाहिए, रिवेंज से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, वॉर से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि द्रौपदी ही कारण है उस पूरे युद्ध के लिए। तो एंड में जाके जो कहती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस साइकिल ऑफ रिवेंज को ब्रेक करिए। तो ऐसे सब अच्छे अच्छे जो काम करने को मिले मुझे, और वो एक बहुत पाथ ब्रेकिंग था मेरे लिए। फर्स्ट प्रोडक्शन था जो मैं अलग विधा, जैसे पपेट्री है, उसके साथ हम लोगों ने मिलके काम किया। तो स्क्रिप्ट से लेके प्रोडक्शन तक जो एक जर्नी रही वो बहुत एनरिचिंग थी और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दैट पेव्ड द वे एक्चुअली फॉर माय मेनी मोर प्रोडक्शंस। कैकेयी वाज वन ऑफ इट, देन देयर वाज गांधी, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन वेरियस कैरेक्टर्स, वेरियस सिचुएशंस। एंड ये मेरा सौभाग्य ये भी था कि लोग मेरे ऊपर कमीशन भी करते थे, कहते थे कि आप इस सेमिनार के लिए, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, गांधी फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, तो उनको एक एक कल्चरल कंपोनेंट चाहिए था जो सीरियसली गांधी को देखें और उनके इश्यूज उन्होंने जो लिए और आज के संदर्भ में क्या वो वैलिड हैं, वो भी उस प्रिज्म से देखने के लिए। तो बहुत अच्छा अच्छा जो स्तर मिला काम करने के लिए, और डांस और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ना देखते हुए एक सीरियस डायलॉग और एक सीरियस इश्यूज को लेके नृत्य भी उसको लेके जूझ सकता है, नृत्य उसको दर्शा सकता है। टू सी डांस इज अ वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन टूल, दैट आई थिंक वॉज वेरी अट्रैक्टिव फॉर मी। और जो आलोचकों का है उनसे मैं कभी भी प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि उनसे मैं कभी भी, क्योंकि मेरा मन अगर कुछ कहता था कि यस इसमें दम है तो मुझे करना है, आई यूज टू ऑलवेज टेक रिस्क। और यही मैं यंगस्टर्स को भी कहती हूँ कि आप आर्ट्स में सेफ प्ले नहीं कर सकते, आप सेफ प्ले करोगे तो एक 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 लेवल तक ही पहुंच सकते हो आप। वैसे डांसिंग मैम एक एक्सपेंसिव मीडियम है और इसमें चाहे मतलब आलोचक जुटाने हो, दर्शक जुटाने हो, रिसोर्सेज जुटाने हो, पूरा सेटअप जुटाना हो, वो एफर्टफुल होता है। तो इसमें मतलब अपने लेवल पे कोशिश करना या ये तमाम संसाधन जुटा लेना इतना आसान तो नहीं होता होगा। आसान नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए हमेशा ऑडियंस रहती है। मैं यही कह रही हूँ कि आप मीडियोकर रह के आपको लगता है कि सारे अपॉर्चुनिटी धन धनाधन आपको आ देने चाहिए, वो तो होगा नहीं। और जल्दबाजी इसमें बिल्कुल चलता नहीं है, क्योंकि इसमें एज यू नो गेस्टेशन पीरियड तो है ही है, और हमारे टाइम में और भी मुश्किल था क्योंकि हमारा दौर जो था उस टाइम में चार प्रीमेडोनास होती थी और उसके आगे कुछ भी नहीं होता था। कोई यंग डांसर फेस्टिवल नहीं होता था, कोई नेक्स्ट लेवल कोई सोचता भी नहीं था, चार प्रीमेडोनास थी और वो ही डांस करती थी जी। तो हम लोग का वेट इनफैक्ट बहुत ज्यादा था। आज के दौर में बहुत सारे डांस यंग डांसर्स फेस्टिवल हैं और हम लोग डांसर्स खुद ही इतना करते हैं, कर रहे हैं अपने अगले पीढ़ी को तैयार करने के लिए। उस समय में वो सब कुछ भी नहीं था, तो मुझे लगता है कि ये दौर इनफैक्ट बहुत मच मच बेटर है। लेकिन कंपटीशन स्टिफ है, कंपटीशन तो आप भाग नहीं सकते कंपटीशन से। मैम देखिए दौर की बात आई है तो दौर की बात में मैं एक सवाल आपसे यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी। ये भरतनाट्यम ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो मंदिरों से निकलकर आया था, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब ये मंदिरों में था तो लोगों के, आम लोगों के ज्यादा नजदीक था, और आज भरतनाट्यम सिर्फ एक सिलेक्टेड क्लास तक, बहुत क्लासी चीज बनकर रह गया है, आम लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है, आम लोगों को इसे जोड़ने की ज्यादा कोशिशें नहीं होती है, या शायद उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती? देखिए पहले तो ये है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि हमने स्कूल्स में अपने शास्त्रीय नृत्य संगीत कलाओं को सिखाया ही नहीं। जी जी। जब तक आप नीचे से शुरू नहीं करेंगे, आप ऊपर से नहीं शुरू कर सकते। कोई भी बात जो है
वो जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको एजुकेशन में उसको लाना पड़ेगा। अगर आप बाकी देशों को देखें तो एक छोटी सी विधा होगी उनके पास, लेकिन वो एक नर्सरी का बच्चा भी उस विधा को लेके कुछ हाथ पैर चला रहा होगा या कुछ गा रहा होगा। हमारे यहाँ अगर आप स्कूल से निकलोगे और कहोगे कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्लासिकल डांस और म्यूजिक, तो बड़े शर्म की बात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये बहुत महान आपने उपलब्धि आपकी है कि आप शास्त्रीय नृत्य और संगीत के बारे में नहीं जानते। तो हमने इस लेवल तक चीजों को हम लेके आ गए हैं कि इतनी दो तीन पीढ़ी या चार पीढ़ी मुझे लगता है जो बिल्कुल इससे बिल्कुल कट गया है। तो जन जन तक पहुंचने के लिए बात जो है वो यहीं से शुरू करनी होगी, आपको नीचे से ही शुरू करनी होगी। आप जन जन तक बात सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं होती है, ये बात मन में बिठाना पड़ता है, ये बीज बहुत जल्दी बोना पड़ता है और ये बीज फिर उभर के आती है और उसके लिए रिस्पेक्ट बनता है। आज जो है रिस्पेक्ट ही नहीं है, अपनी चीजों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, साड़ी नहीं पहननी, आपको अपनी कलाएं नहीं सीखनी, आपको अपनी जो कस्टम्स हैं उस पे आप हंसते हो, तो ये सब चीजें जो है आप वो रखिए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन पहले समझिए कि वो क्यों किया जाता है, उसका तात्पर्य क्या है। किसी चीज को निग्लेक्ट और रिजेक्ट करने से पहले मुझे लगता है समझ की जरूरत है। आप बिना समझे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल मेरे हिसाब से तो, और मुझे नहीं लगता है नृत्य में कुछ भी ऐसी एलिटिस्ट बात है जो सिर्फ एक क्लास के लिए है। ये जन जन तक ये बात पहुंचती रही है और पहुंचाते हैं, आर्टिस्ट परफॉर्म करते भी हैं, सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में भी परफॉर्म करते हैं हम लोग, पुरानी पोर्ट में भी हम लोग परफॉर्म किए हैं और हर जगह में कम से कम 4-5 हज़ार लोग बैठते हैं और देखते हैं। और हम लोग किसी किसी फेस्टिवल में जाते हैं, जैसे बहुत 5 साल पहले मैंने बूंदी फेस्टिवल गई थी जो कि ज्यादातर वहां पे फोक ही होता है, लेकिन मेरा क्लासिकल था और बहुत सारे रूरल कम्युनिटी के सारे लोग थे। और मैं परफॉर्मेंस के बाद में जाके ऐसे ही जा रही थी तो मैं बात करने लग गई उन लेडीज के साथ, तो कहती है कि ये उत्तर भारत का कथक है। तो देखिए उनके मन में कथक था कि वो शास्त्रीय है और उन्होंने देखा ये दक्षिण भारत का कथक, यानी कि ये समझ में आ गया कि ये क्लासिकल है। और देखिए क्लासिकल क्या है, ट्रेडिशनल को ही हम क्लासिकल कहते हैं जी। पहले तो इतनी विधाओं में इतना अंतर नहीं था, हम लोगों ने ये अंतर क्रिएट किया है। तो मुझे लगता है कि ये अंतर तो हमको अभी भी तोड़ना है इसको, और ऐसा कोई बात नहीं है कि जो जन जन तक नहीं पहुंचा सकते हम लोग, लेकिन बात यह है कि समझने की थोड़ी सी इच्छा तो होनी चाहिए, बैठ के देखने की जो एक परंपरा होनी चाहिए, एक तहजीब होनी चाहिए देखने की, जो सिर्फ हम स्कूल्स में ही इसको ला के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत तो सुंदर बात कही आपने। हमेशा बहुत इच्छा रही है कि कलाओं को हमने निग्लेक्ट करके अपनी पूरी जो सोसाइटी को इनसेंसिटिव और अनएस्थेटिक बना दिया है। एस्थेटिक हमारा स्ट्रेंथ है और उस एस्थेटिक्स को हमने रखा नहीं और उस सेंसिटिविटी को हमने बनाए नहीं रखा। आप बच्चे को सिर्फ 5 मिनट भी म्यूजिक सुना दीजिए रोज, क्लासिकल वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ही सही है। तो मैं जिस भी स्कूल में जाती हूँ मैं यही कहती हूँ, आप इंस्ट्रूमेंट का नाम मत बताइए, आर्टिस्ट का नाम नहीं बताइए, कुछ नहीं कहिए, लेकिन असेंबली में 5 मिनट चुपचाप बैठ के एक सितार या एक सरोद या एक बांसुरी सुने तो कानसेन बनाइए पहले। आपकी इस पहल की वाकई बहुत सराहना की जानी चाहिए। और बतौर डांस टीचर आप बकायदा सैकड़ों स्टूडेंट्स को अब तक ट्रेन कर चुकी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी मैम कि अब जो आने वाली पीढ़ी है भरतनाट्यम की, इसमें आप कितनी संभावनाएं देख रही हैं, कितनी उम्मीद नजर आ रही है आपको? देखिए हमेशा ही जो है एक जनरेशनल शिफ्ट तो होता ही है क्योंकि समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। तो मुझे लगता है कि आज के डांस में एक रेस्टलेसनेस है, एक स्पीड के लिए जो एक तमन्ना होती है वो है, और बड़े बड़े जगहों में करने के वजह से बहुत भागना, दौड़ना, गिरना, कूदना, फांदना, ये सब है, जबकि हमारे नृत्य में ठहराव और एक मेडिटेटिव क्वालिटी, साइलेंस के लिए रिस्पेक्ट और एक
रसानुभूति जिसे कहते हैं, पहले आप रस में डूबिए, फिर अनायास आप खड़े हो जाएंगे तो देखने वाला या जो सहृदयी है, हम नृत्य में सहृदयी कहते हैं, हम कोई ऑडियंस नहीं कहते, वो सहृदयी हैं, को ट्रैवलर्स हैं, वो हमारे साथ हैं, सो उन तक बात पहुंचती है। तो रस की थोड़ी सी मुझे लगती है और एक थोड़ा सा डूबने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ नृत्य सीखने से नहीं आता है, इसके लिए आपको स्कल्पचर, आप पीछे देख रहे हैं, स्कल्पचर की जानकारी होनी चाहिए, पोइट्री की जानकारी होनी चाहिए, फिलॉसफी की जानकारी होनी चाहिए, इसको आपको एक एक आर्ट्स को एक कॉम्पोजिट तरीके से देखना चाहिए। सिर्फ मैं आज के नृत्यांगनाओं को देखती हूँ और बहुत बोलती भी उनको कि इस विधा को सिर्फ सीमित तरीके से मत देखिए, इसको खोलिए, दरवाजा खिड़की सब खोलिए, और आप देखेंगे कि बहुत सारी जो आपकी क्रिएटिव इनपुट्स हैं वो अलग दिशा से आती है, अलग अलग तरीके से आती है। तो आप अपने आप को बांध ही नहीं, एक एक ही चीज में नहीं रखें, हर चीज को सुने, हर चीज को सराहें, हर चीज को, हर विधा को समझने की कोशिश करें और फिर उसमें से ले, ताकि आपकी विधा ग्रो हो और आपकी जो क्रिएटिव एनर्जीज हैं वो जो है इट कैन रियली गो वेरी हाई। आज की मुलाकात का चलते चलते मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। जो कलाकार है वो एक इतना संवेदनशील प्राणी होता है कि उस पर हर चीज़ असर डालती है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कुदरत हो, चाहे वो हालात हो। तो बतौर कलाकार आज की डेट में आप अपने आप को सामाजिक तौर पर कितना जिम्मेदार महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि कला में वो पोटेंशियल है, वो ताकत है जो लोगों को इस भय और इस लोनलीनेस और एक कन्फाइंड लॉकडाउन और एक बॉक्स्ड इन फीलिंग से, कला ही है जो मानसिक तौर से आप फ्री हो सकते हैं। आप एक रूम में होते हुए भी नृत्य कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, आप इमेजिनेशन के उस रेल्म में जा सकते हैं जहां आप आसमान को छू रहे हो या कहीं उड़ रहे हो, कुछ भी आप सोच के अपने मन में आप मानसिक तौर से फ्री हो सकते हैं। तो इसमें जो एक पोटेंशियल है, मुझे लगता है वो उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है और लोगों को वो तरीका बताना कि कैसे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सब में ये क्षमता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो बीज जो है वो बोना होता है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है, और मैं देख रही हूँ कि नृत्य में जो मेरी क्लासेस चल रही हैं उसमें इतना एक वैरायटी आ गया है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन आ गए हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, जैसे फिल्में देखना, फिल्मों को डिस्कस करना, डांस के ऊपर जो और थियोरी है उस पर और ध्यान देना, डांस के पॉस्चर्स और स्कल्पचर्स पे ध्यान देना। आजकल हम लोग जो है म्यूजियम्स को भी विजिट कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि वर्चुअल टूर्स हो रहे हैं तो हम बच्चों को वो भी दिखा रहे हैं, वैसे नहीं दिखा सकते तो क्या हुआ, हम लोग विजिट करते हैं। तो बहुत कुछ आजकल पॉसिबल है, मटेरियल बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि टीचर्स और जो सिखाने वाले लोग हैं स्कूल में भी जो सिखा रहे हैं वो अभी भी वो पाठ्यक्रम को लेके बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक मौका है जब वो बहुत कुछ और कर सकते हैं बच्चों को लेके, और वो सिलेबस को थोड़ा साइड कर दें और बहुत कुछ और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है उस पे ध्यान दें तो बच्चे और उत्साहित होके पढ़ेंगे, ये मेरा ख्याल है। और नृत्य में हमने यही अनुभव किया है कि केवल जो हम क्लास में लाइव करते थे उसके अलावा हमने बहुत कुछ और इन महीनों में सीखा और किया, क्योंकि ज्ञानवर्धक चीजें, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमने शेयर की। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे हम आपने कहा, और नृत्य और संगीत और थिएटर, इस सब में जो पोटेंशियल है वो अनइमेजिनेबल है, और ऐसे समय में पता लग रहा है वाकई में कि हम लोग के पास क्या एक निधि है जिसकी पूरी हमको समझ ही नहीं है कि ये किस किस तरीके से लोगों को हेल्प कर सकता है। चंद्रन जी, हिंदी की बिंदी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।